हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल श्री आर्ट गैलरी में। दोस्तों, आज आप लोगों का थर्ड टेस्ट पेपर होने जा रहा है और ये टेस्ट पेपर मुगल टॉपिक से रिलेटेड है और आप लोग इस टेस्ट पेपर को बहुत ध्यान से दीजिएगा और जितने क्वेश्चन आप लोगों को आते हों प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएँ। और टेस्ट पेपर स्टार्ट करने से पहले आप लोग प्लीज़ लाइक का बटन दबा देंगे, इससे ये पता चलेगा कि कितने स्टूडेंटों ने मेरे इस टेस्ट पेपर में इन्वॉल्व हुए हैं। प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है और मेरे स्टूडेंटों का ये डिमांड था कि मुगल कला से रिलेटेड क्वेश्चन प्रेजेंट करना, तो इसमें मुगल कला से ही रिलेटेड आप लोगों के टॉपिक वाइज टेस्ट हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि किसके संरक्षण में हमजा नामा का चित्रांकन हुआ। ऑप्शन नंबर ए जहांगीर, ऑप्शन नंबर टू अकबर, ऑप्शन नंबर थ्री बाबर और ऑप्शन नंबर फोर हुमायूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बशावन ने किस मुगल सम्राट के दरबार में कार्य किया। ऑप्शन नंबर एक जहांगीर, ऑप्शन नंबर दो शाहजहां, ऑप्शन नंबर तीन अकबर और ऑप्शन नंबर चार हुमायूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आईने अकबरी के रचयिता कौन थे। ऑप्शन नंबर एक अबुल फजल, ऑप्शन नंबर टू बदायूनी, ऑप्शन नंबर थ्री अबुल फजल और ऑप्शन नंबर फोर शाहदीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकारिजा को किस शासक ने इलाहाबाद चित्रशाला का अध्यक्ष नियुक्त किया था। ऑप्शन नंबर एक अकबर, ऑप्शन नंबर टू जहांगीर, ऑप्शन नंबर थ्री शाहजहां और ऑप्शन नंबर फोर हुमायूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित ग्रंथों में कौन सा ग्रंथ सबसे पहले चित्रित हुआ। ऑप्शन नंबर ए अकबरनामा, ऑप्शन नंबर टू बाबरनामा, ऑप्शन नंबर थ्री अमीर हमजा और ऑप्शन नंबर फोर रजमनामा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा ग्रंथ महाभारत का फारसी अनुवाद है। ऑप्शन नंबर ए अयार दानिश, ऑप्शन नंबर टू रजमनामा, ऑप्शन नंबर थ्री कलीली दमना और ऑप्शन नंबर फोर अनवर सुहैली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शाहनामा के लेखक का नाम है। ऑप्शन नंबर ए अबुल फजल, ऑप्शन नंबर टू बदायूनी, ऑप्शन नंबर थ्री फिरदौसी और ऑप्शन नंबर फोर मिर्जा गालिब। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल शैली का प्रसिद्ध पक्षी चित्रकार है। ऑप्शन नंबर ए बशावन, ऑप्शन नंबर टू मंसूर, ऑप्शन नंबर थ्री अब्दुशमद और ऑप्शन नंबर फोर दशवंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दीन ए इलाही धर्म किस मुगल शासक ने चलाया था। ऑप्शन नंबर ए बाबर, ऑप्शन नंबर टू हुमायूं, ऑप्शन नंबर थ्री अकबर और ऑप्शन नंबर फोर जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा चित्रकार कहार जाति का था। ऑप्शन नंबर ए बशावन, ऑप्शन नंबर टू मनोहर, ऑप्शन नंबर थ्री दौलत और ऑप्शन नंबर फोर दशवंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन अकबर के नवरत्नों में से नहीं है। ऑप्शन नंबर ए अब्दुल रहीम खान खाना, ऑप्शन नंबर टू टोडरमल, ऑप्शन नंबर थ्री भगवान दास और ऑप्शन नंबर फोर बिहजात। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबर के दरबार का प्रसिद्ध पक्षी चित्रकार था। ऑप्शन नंबर एक मंसूर, ऑप्शन नंबर टू मिस्किन, ऑप्शन नंबर थ्री दशवंत और ऑप्शन नंबर फोर बशावन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल शैली के चित्रों में कौन से रंग प्रयुक्त होते थे। ऑप्शन नंबर एक जल रंग, ऑप्शन नंबर टू ग्वास, ऑप्शन नंबर थ्री टेम्परा और ऑप्शन नंबर फोर तैल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जहांगीर के शासनकाल में कौन चित्रकार सभी चित्रण में निपुण था। ऑप्शन नंबर ए मंसूर, ऑप्शन नंबर टू बिशन दास, ऑप्शन नंबर थ्री अबुल हसन और ऑप्शन नंबर फोर बशावन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा भारतीय कथा चित्र संग्रह है। ऑप्शन नंबर एक तूतीनामा, ऑप्शन नंबर टू खमसा निजामी, ऑप्शन नंबर थ्री अनवर सुहैली और ऑप्शन नंबर फोर शबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबरकालीन भित्ति चित्रण कहाँ हुआ। ऑप्शन नंबर ए आगरा किले में, ऑप्शन नंबर टू फतेहपुर सीकरी में, ऑप्शन नंबर थ्री दिल्ली में और ऑप्शन नंबर फोर इलाहाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिस शैली की मूल प्रेरणा ईरानी होते हुए भी आत्मा भारती है वह शैली है। ऑप्शन नंबर ए जैन, ऑप्शन नंबर टू राजस्थानी,
ऑप्शन नंबर 3 मुगल और ऑप्शन नंबर 4 पहाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल चित्रकला है ऑप्शन नंबर 1 संरक्षित कला, ऑप्शन नंबर 2 स्वतंत्र कला, ऑप्शन नंबर 3 निजी कला और ऑप्शन नंबर 4 व्यावसायिक कला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल चित्रकला में मुरक्का किसे कहते हैं, ऑप्शन नंबर 1 चित्र बनाने में प्रयुक्त कागज को, ऑप्शन नंबर 2 पोथी चित्रों को, ऑप्शन नंबर 3 व्यक्ति चित्रों को और ऑप्शन नंबर 4 एल्बम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूरोपियन राजदूत सर टॉमस रो के लाए किस चित्र की जहांगीर ने प्रतिकृति तैयार करवाई थी, ऑप्शन नंबर 1 ईसा मसीह, ऑप्शन नंबर 2 क्रूसीफिकेशन, ऑप्शन नंबर 3 मरियम एंड चाइल्ड्स और ऑप्शन नंबर 4 देवदूत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कारखाना शब्द किस चित्र शैली से संबंधित है, ऑप्शन नंबर 1 वास शैली, ऑप्शन नंबर 2 मिनिएचर शैली, ऑप्शन नंबर 3 पोथी शैली और ऑप्शन नंबर 4 भित्ति चित्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से मुगल चित्रकार का नाम बताएं, ऑप्शन नंबर 1 रुकनुद्दीन, ऑप्शन नंबर 2 निहाल चंद्र, ऑप्शन नंबर 3 होनहार और ऑप्शन नंबर 4 मनकू। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्याह कलम के चित्र किस मुगल शासक के समय बने, ऑप्शन नंबर 1 अकबर, ऑप्शन नंबर 2 जहांगीर, ऑप्शन नंबर 3 शाहजहां और ऑप्शन नंबर 4 औरंगजेब। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शाहजहां काल की चित्रकला में चित्रित लघु चित्रों में किन चित्रों की अधिकता है, ऑप्शन नंबर 1 युद्ध दृश्य, ऑप्शन नंबर 2 रंगमहल, ऑप्शन नंबर 3 शिकार दृश्य और ऑप्शन नंबर 4 धार्मिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में मुगल चित्रकला का प्रारंभ किस शासक के काल में हुआ, ऑप्शन नंबर 1 अकबर, ऑप्शन नंबर 2 हुमायूं, ऑप्शन नंबर 3 जहांगीर और ऑप्शन नंबर 4 शाहजहां। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल चित्रकला में हिंदू विषयों का पोषक कौन था, ऑप्शन नंबर 1 बाबर, ऑप्शन नंबर 2 अकबर, ऑप्शन नंबर 3 जहांगीर और ऑप्शन नंबर 3 शाहजहां। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल सुंदरी के चित्र किसके समय में बने, ऑप्शन नंबर 1 अकबर, ऑप्शन नंबर 2 शाहजहां, ऑप्शन नंबर 3 औरंगजेब और ऑप्शन नंबर 3 जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिकार के चित्र किस शैली में सबसे अधिक बने, ऑप्शन नंबर 1 पहाड़ी, ऑप्शन नंबर 2 कंपनी, ऑप्शन नंबर 3 मुगल और ऑप्शन नंबर 3 बूंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबरकालीन चित्रों की क्या विशेषता थी, ऑप्शन नंबर 1 दरबारी चित्र, ऑप्शन नंबर 2 पशु पक्षी के चित्र, ऑप्शन नंबर 3 नायक नायिका चित्र, ऑप्शन नंबर 3 प्रकृति चित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल चित्रकार का क्या नाम था, ऑप्शन नंबर 1 भोला राम, ऑप्शन नंबर 2 अमृता शेरगिल, ऑप्शन नंबर 3 बशावन और ऑप्शन नंबर 3 राजा रवि वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसके दरबार में अबुल हसन ने ईसाई विषयों पर चित्र बनाए, ऑप्शन नंबर 1 जहांगीर, ऑप्शन नंबर 2 अकबर, ऑप्शन नंबर 3 हुमायूं और ऑप्शन नंबर 3 औरंगजेब। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था, ऑप्शन नंबर 1 बाबर, ऑप्शन नंबर 2 जहांगीर, ऑप्शन नंबर 3 शाहजहां और ऑप्शन नंबर 3 अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुजुक ए बाबरी के लेखक कौन हैं, ऑप्शन नंबर 1 शाह मोहम्मद, ऑप्शन नंबर 2 बाबर, ऑप्शन नंबर 3 अबुल फजल और ऑप्शन नंबर 3 गुलबदन बेगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मुगल शासक के शासनकाल में रामचरितमानस की रचना हुई थी, ऑप्शन नंबर 1 हुमायूं, ऑप्शन नंबर 2 जहांगीर, ऑप्शन नंबर 3 अकबर और ऑप्शन नंबर 3 शाहजहां। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मुगलकालीन चित्रकार को पूर्व का रैफेल की संज्ञा दी गई है, ऑप्शन नंबर 1 अब्दुशमद, ऑप्शन नंबर 2 दशवंत, ऑप्शन नंबर 3 बेहजाद और ऑप्शन नंबर 3 मंसूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल काल का स्वर्ण युग था, ऑप्शन नंबर 1 अकबर का समय, ऑप्शन नंबर 2 जहांगीर का समय, ऑप्शन नंबर 3
बाबर का समय और ऑप्शन नंबर डी शाहजहां का समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर ने किस राज्य पर अपनी विजय के स्मारक के रूप में बुलंद दरवाजा का बनवाया था। ऑप्शन नंबर ए गुजरात, ऑप्शन नंबर बी बंगाल, ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा और ऑप्शन नंबर डी दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर कालीन चित्रकला की मुख्य रूप से क्या विशेषता है। ऑप्शन नंबर ए ग्रंथ चित्र, ऑप्शन नंबर बी चित्रपट, ऑप्शन नंबर सी भित्ति चित्र और ऑप्शन नंबर डी व्यक्ति चित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जहांगीर के समय के कितने चित्रकार थे जो अपनी योग्यता एवं निपुणता के कारण प्रख्यात हुए। ऑप्शन नंबर ए 8, ऑप्शन नंबर बी 9, ऑप्शन नंबर सी 10 और ऑप्शन नंबर डी 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जहांगीर के काल में एकल चित्र मुख्यतया मानवकार किस मुद्रा में है। ऑप्शन नंबर ई खड़ी, ऑप्शन नंबर बी पड़ी, ऑप्शन नंबर सी बैठी और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चित्रों का सर्वथा अभाव मुगल शैली में मिलता है। ऑप्शन नंबर ई घरेलू जीवन, ऑप्शन नंबर बी सामाजिक जीवन, ऑप्शन नंबर सी राजनीतिक जीवन और ऑप्शन नंबर डी धार्मिक जीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये व्यक्ति चित्र अधिकांश में किसके बने हैं। ऑप्शन नंबर ई अमीरों के, ऑप्शन नंबर बी सम्राटों के, ऑप्शन नंबर सी राजकुमारों के और ऑप्शन नंबर डी गरीबों के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आईने अकबरी में कितने चित्रकारों का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन नंबर ए 50 चित्रकार, ऑप्शन नंबर बी 60 चित्रकार और ऑप्शन नंबर सी 35 चित्रकार और ऑप्शन नंबर डी 40 चित्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सम्राट के वस्त्रों में किसका प्रयोग हुआ है। ऑप्शन नंबर ए तंजीब, ऑप्शन नंबर बी बारीक मलमल, ऑप्शन नंबर सी सूती वस्त्र और ऑप्शन नंबर डी रेशमी वस्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रजमनामा का सबसे उल्लेखनीय चित्र कौन सा है। ऑप्शन नंबर ई राक्षसों का विचित्र आकार, ऑप्शन नंबर बी श्वेत अश्व का छठा साहसिक कार, ऑप्शन नंबर सी घटोत्कच का युद्ध और ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईरानी शैली में किन सिद्धांतों का पालन हुआ है। ऑप्शन नंबर ए प्रकाश अंधेरा, ऑप्शन नंबर बी धूप छाया, ऑप्शन नंबर सी रात दिन और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रश्नवालय की छत पर कौन गर्दन फुलाए आनंद में मुग्ध है। ऑप्शन नंबर ए कबूतर, ऑप्शन नंबर बी मोर, ऑप्शन नंबर सी मुर्गा और ऑप्शन नंबर डी चिड़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस चित्र में किस रंग के प्राण डाल दिए हैं। ऑप्शन नंबर ए नारंगी, ऑप्शन नंबर बी लाल, ऑप्शन नंबर सी हरा, ऑप्शन नंबर डी पीला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि औरंगजेब को चित्रकला में क्या थी। ऑप्शन नंबर ए रुचि, ऑप्शन नंबर बी अभिरुचि, ऑप्शन नंबर सी दीवानगी और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सम्राट को राजनीतिक समस्याओं से मुक्त करके किसने कला के विकास की ओर प्रेरित किया। ऑप्शन नंबर ए नूरजहां, ऑप्शन नंबर बी जोधाबाई, ऑप्शन नंबर सी मुमताज महल और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये थर्ड पेपर में 50 क्वेश्चन आप लोगों को प्रेजेंट किए गए हैं और प्लीज़ 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 आप लोग इस टेस्ट पेपर को ध्यान से और ईमानदारी से देखिए और जितने क्वेश्चन आप लोगों को आते हों प्लीज़ कमेंट करके आप लोग उसके आंसर प्रेजेंट करिए। और आप लोगों से एक निवेदन है कि प्लीज़ आप लोग जितने लोग इस टेस्ट पेपर में इन्वॉल्व हो रहे हैं प्लीज़ लाइक का बटन दबाएं, जिससे ये पता चले कि कितने स्टूडेंटों ने मेरे इस टेस्ट पेपर को दिया है। तो हम लोग मिलते हैं अगले टेस्ट पेपर में और बेस्ट ऑफ लक फॉर टेस्ट। आप लोग ध्यान से दीजिएगा। बाय।